इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, राइट बच्चों? अब देखो, हमने सपोज करो एक कमोडिटी को कंज्यूम किया, ठीक है? वो कमोडिटी क्या थी हमारे पास? एक्स थी। उसकी कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे हम? एक्स यूनिट्स कंज्यूम करी हमने। एक पर्टिकुलर कमोडिटी है बच्चों, ठीक है? हम वन कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कार्डिनल थ्योरी बात कर रहे हैं बच्चों, कार्डिनल थ्योरी, ठीक है? वन कमोडिटी केस है तो वन कमोडिटी केस के अंदर हम कार्डिनल थ्योरी का यूज करते हैं, राइट? अब यहां पर हमने एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम किया, दैट इज एक्स। अब इस एक्स से जो यूटिलिटी हमें मिलेगी बच्चों, टोटल यूटिलिटी क्या मिलेगी हमें? दैट इज यू, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स कमोडिटी को कंज्यूम किया था ना, तो टोटल यूटिलिटी जो मिलेगी वो हमें किसके टर्म्स में मिलेगी? एक्स के टर्म्स में मिलेगी, राइट बच्चों? लेकिन अब देखो, अब जब हमने ये यूनिट जो कंज्यूम करी, इस यूनिट को कंज्यूम करने के लिए कुछ पेमेंट करी होगी, ठीक है? अब जो पेमेंट करेंगे हम वो कितनी करेंगे? दैट टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा ऑन द कमोडिटी ऑफ एक्स, राइट बच्चों? अब सपोज करो कि हमने एक्स यूनिट जो थी वो गुड एक्स की खरीदी, ठीक है? अब उस गुड का जो प्राइस था वो px था, राइट बच्चों? तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारे पास? px इनटू x हो गया ना, राइट? तो इतना एक्सपेंडिचर हमने इस गुड के ऊपर कर दिया, राइट? अब हमें क्या निकालना है बच्चों? देखो, हमें निकालनी है नेट यूटिलिटी। क्या निकालनी है हमें? नेट यूटिलिटी। अब देखो बच्चों, यहां पर दो अजम्पशन थी, वो दो अजम्पशन ये होती थी कि जो गुड होती है, यहां पर जो कमोडिटी होती है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है? डिमिनिशिंग होती है, राइट बच्चों? डिमिनिशिंग होती है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज डिमिनिशिंग। और दूसरी एक अजम्पशन थी हमारे पास कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। यहाँ पर कैसी होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या है? लैम्डा है, ठीक है? दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, राइट? अब देखो, जब हमने इतना एक्सपेंडिचर किया, टोटल एक्सपेंडिचर हमने गुड एक्स के ऊपर इतना ही किया ना, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स इनटू में प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट? तो इतना हमने टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया बच्चों? इतनी मनी पेमेंट कर दी, राइट? इतनी मनी पेमेंट क्या कर दी हमने? इस गुड एक्स को खरीदने के लिए कर दी। अब इस मनी पेमेंट से हमें क्या हुआ होगा? हमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी, जब हमने मनी को बढ़ाया तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी होगी, जब मनी को घटाया तो मार्जिनल यूटिलिटी घटी होगी, राइट? अब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी वो मेरे पास लैम्डा थी, ठीक है? तो यहां से हमारे पास इसकी पेमेंट करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी, एक्चुअल यूटिलिटी, वो क्या मिलेगी हमें? लैम्डा इनटू में एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, राइट बच्चों? दिस इज आवर नेट एक्चुअल यूटिलिटी। एक्चुअल यूटिलिटी हमें इतनी की मिली, ठीक है? अब टोटल यूटिलिटी जो हमारे पास ग्रॉस यूटिलिटी थी वो ये थी, जो ग्रॉस यूटिलिटी है वो ये है। अगर हमें नेट यूटिलिटी निकालनी है तो नेट यूटिलिटी बच्चों कैसे निकालेंगे हम? द नेट यूटिलिटी इज इक्वल टू आवर टोटल, यानी कि ग्रॉस यूटिलिटी माइनस आवर नेट, सॉरी एक्चुअल यूटिलिटी, ठीक है? माइनस एक्चुअल यूटिलिटी, ठीक है बच्चों? ये समझ आ रहा है फॉर्मूला किस तरीके से बना? That net utility is equal to the gross minus the actual, ठीक है? कि हमें net utility क्या मिलेगी? Gross minus actual utility, ठीक है? अब यहाँ पर इसको differentiate करते हैं with respect to good x, क्योंकि good कौन सी consume कर रहे हैं? X consume कर रहे हैं, तो ये आएगी हमारे पास del nu x upon में del x is equal to del u in terms of x upon में del x minus, ये हमारे पास वन बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ पी एक्स, राइट बच्चों? अब क्या करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड price of good x, in terms of lambda and price of good x, ठीक है? This is our equilibrium value of the good x, समझ आया बच्चों? ये क्या है हमारे पास? Equilibrium value of good x आया है,
राइट अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर देखते हैं, क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करना होगा, हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसे लेस देन जीरो प्रूव करना होगा ना बच्चों, तो लेस देन जीरो प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पे सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, देखो बच्चों डेल स्क्वायर एन यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये जीरो बन गया, माइनस जीरो, ठीक है। अब ये जो टर्म आएगी ना बच्चों ये नेगेटिव में आएगी, तभी तो हम अपने यूटिलिटी को क्या कर पाएंगे, मैक्सिमाइज प्रूव कर पाएंगे, जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ द नेट यूटिलिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सो दैट आवर नेट यूटिलिटी इज लेसर देन जीरो। राइट बच्चों, समझ आया। अब इस नेट यूटिलिटी का जीरो होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये क्या रहा, ये मार्जिनल यूटिलिटी तो आया था, ये तो हमारे पास ग्रॉस यूटिलिटी थी, अब ग्रॉस यूटिलिटी को डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, जब मार्जिनल यूटिलिटी को डिफरेंशिएट किया तो वो लेस देन जीरो आ गई, ठीक है बच्चों, ये एक नेगेटिव नंबर आया है, तो हमारे पास ये ओवरऑल एक नेगेटिव नंबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास गुड एक्स थी वो गुड एक्स कैसी है, उसकी वो जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी है, डिमिनिशिंग है, क्योंकि यहां पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को डिफरेंशिएट किया है बच्चों, ठीक है, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी आई है, नेगेटिव आई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम उसके ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, देखो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम देखो हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर नेट यूटिलिटी जो थी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स वो क्या थी, द ग्रॉस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस लैम्डा इंटू पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास नेट यूटिलिटी आई थी। जब हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो एन यू डेल अपॉन में इन टर्म्स ऑफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, ये क्या आएगा, डेल यू इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। राइट बच्चों, ये वन बन गया, बचा लैम्डा इंटू पी एक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये जो आएगा एक्सपेंडिचर क्या थी हमारी, मनी थी, तो ये आएगी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। राइट बच्चों, और जो ये टोटल यूटिलिटी थी अगर इसको हमने डिफरेंस, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी थी, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया, अब हम अपनी टोटल यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। राइट बच्चों, समझ आ रहा है, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। अब एट द इक्विलिब्रियम हमने क्या किया, इसको और इसको इक्वेट करा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पुट इक्वल टू जीरो करेंगे ना, डेल एन यू एक्स अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है, फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए। राइट, तो हमने क्या किया, जब इसको जीरो रखा तो ये इक्वल टू ये आ गया। राइट बच्चों, जब हमने डेल यू इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल पी एक्स को जीरो रखा तो ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, डेल यू एक्स अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल इंटू पी एक्स। राइट बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, सो इट मींस दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। राइट बच्चों, समझ आया। अब हमने यहां पर अजम्पशन ले रखी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, दैट इज लैम्डा, ठीक है, ये तो एक लैम्डा है यानी कि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट ले लेते हैं। अब देखो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, यहां पर हमारे पास क्वांटिटी हो गई कमोडिटी की, यहां पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो भी है। राइट बच्चों, देखो अब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो हमने डबल डेरिवेटिव से प्रूव किया है कि वो नेगेटिव होता है ना, तो इट मींस डिक्रीजिंग होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स आएगी, डिमिनिशिंग आएगी ना, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव प्रूव किया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, तो ये कैसी आएगी, डिमिनिशिंग आएगी, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स।
दूसरा आ गया है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो वो कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक है, अब हमारा इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट इज आवर पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट. राइट बच्चों, दैट इज एक्स स्टार. ये हमारे पास ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों. ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वन कमोडिटी के केस में सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स जो होती है, या फिर कोई भी कमोडिटी, वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगी. राइट बच्चों, ठीक है. तो एक कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन के ऊपर आ जाएगा और वो उस बंडल को चूज कर लेगा जिसके ऊपर ये दोनों, ये कंडीशन अप्लाई होगी, जिस यूनिट के ऊपर. राइट बच्चों, ठीक है, सब लोगों को समझ आया? दिस इज आवर वन कमोडिटी केस. अब हम चलते हैं अपने टू कमोडिटी केसेस के ऊपर बच्चों. ठीक है, देखो टू कमोडिटी केस किस ना बच्चों, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हमने वहां पर टू कमोडिटी केस में बच्चों हमने यूटिलिटी फंक्शंस को डिराइव किया था. ठीक है, जब हमारे पास यूटिलिटी फंक्शंस जो थे वो कहां से आए थे? प्रेफरेंसेस से आए थे. राइट, सबको पता है ना प्रेफरेंसेस किस तरीके से आए थे, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेफरेंस. ठीक है, कि हमारे प्रेफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है कौन? यूटिलिटी फंक्शन. अब यूटिलिटी फंक्शन जो थे हमारे पास वो 6 टाइप्स के थे. कॉब डॉगलस था, वेल बिहेव था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, क्वाजाई लीनियर था, और उसके बाद हमारे पास कॉनकेव फंक्शन था. ठीक है, अब इन 6 केसेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अपने इक्विलिब्रियम को निकालने वाले हैं.